राम चरण सुखदाई। बिग मैजिक गंगा के सभी दर्शकों को मालिनी अवस्थी का राम राम, नमस्कार और प्रणाम, साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत। ईश्वर की शक्ति और भक्त की भक्ति के साथ साथ एक बार फिर से तैयार हूँ आपको उस सफर में ले जाने को जिसका रास्ता जाता है सीधा प्रभु के द्वार, और उस रास्ते का नाम है रामचरण सुखदाई। आज शुक्रवार है, यानी माँ संतोषी का दिन, जिनके स्तुति मात्र से भक्तों के सारे कष्ट, सारे शोक, सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से संतोषी माता की पूजा अर्चना करते हैं वो मनवांछित फल पाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ संतोषी का जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसीलिए शुक्रवार को उनका दिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनका नाम संतोषी माता कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। ये कहानी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये सुंदर भजन। चांद सूरज के भी चमक आज भी काला गाता, चांद सूरज के भी चमक आज भी काला गाता, आए हाय भी काला गाता, चमकदार हमारा मैया जी के भी काला गाता, चमकदार हमारा मैया जी के भी काला गाता, चांद सूरज के भी चमक आज भी काला गाता हो, चांद सूरज के भी चमक आज भी काला गाता, आए हाय भी काला गाता, चमकदार हमारा मैया जी के भी काला गाता, चमकदार हमारा मैया जी के भी काला गाता। चारू ओर भइल बाटे धरती अंजोर हो, अजन देखाओ ने बाटे मैया जी के सोर हो, हाय हो, चारू ओर भइल बाटे धरती अंजोर हो, अजन देखाओ ने बाटे मैया जी के सोर हो, चल दुनिया में मैये जी के सी काला गाता हो, चल दुनिया में मैये जी के सी काला गाता, आए हाय सी काला गाता, चमकदार हमारा मैया जी के सी काला गाता, चमकदार हमारा मैया जी के सी काला गाता। कन के करे मधुलार हो, नौमी में नया नया दिए उपहार हो, आई हो, आइल बारी से कन के करे मधुलार हो, नौमी में नया नया दिए
चमत्कार हमारा मैया जी काला गाता चमकदार हमारा मैया जी के दी काला गाता आत्माई दरबार सबसे ऊंचा लागता हो आजमाई दरबार सबसे ऊंचा लागता आय हाय ऊंचा लागता चमकदार हमारा मैया लागता चमकदार हमारा मैया जी के टीका लागता चटकदार हमारा मैया जी के टीका लागता चमकदार हमारा मैया जी के टीका लागता चटकार हमारा मैया जी के टीका लागता चटकार हमारा मैया जी के टीका लागता। संतोषी माँ के जन्म को लेकर एक बड़ी ही रोचक कहानी, और मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहते हैं कि एक बार रक्षाबंधन के दिन गणेश जी की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने आई। भगवान गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन को लेकर बड़े उत्सुक थे। दोनों पुत्रों ने अपनी बुआ मनसा को गणेश जी के हाथ पर एक धागा बांधते देखा। गणेश जी ने उन्हें सुखी और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। गणेश जी के दोनों पुत्र ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि एक मामूली सा धागा बांधने के बदले पिताजी ने बुआ को इतना सारा आशीर्वाद दे दिया, ऐसा क्यों? तब गणेश जी ने रक्षाबंधन के महत्व को समझाया, ये बताया कि मात्र धागा नहीं, ये नाता है, विश्वास का, रक्षा का वचन है। रक्षाबंधन के महत्व को सुनकर दोनों बड़े प्रभावित हुए और गणेश जी से एक बहन की मांग करने लगे। जो अपने सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हो, ऐसे गणेश जी अपने बेटों की इच्छा को भला पूरी नहीं करते। लेकिन क्या ये इच्छा पूरी हुई, और पूरी हुई तो कैसे हुई, ये कहानी बताऊंगी। लेकिन उसके पहले ये सुंदर भजन। धनुहिया गदा तलवरवा सोहेला हाथे खबरवा हो चक्र धनुहिया गदा तलवरवा सोहेला हाथे खबरवा हो माई के बिंदिया बुझाना चनरमा चमकता सुंदर मुकुटवा हो तेरा सवार बा गजब सिंगार बा सवार बा लाग दरबार बा गम के लमाई के रूप का मगाम गम 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 कि नाचे माई के पूजरिया छामा छाम छामा छाम कि नाचे माई के पूजरिया छामा छाम छामा छाम Thank you.
जनवा चरेला चौमुख जनवा हो। बेली चमेली से सजल असनवा चरेला चौमुख दियनवा हो। लागल पमाई पे सबके थयनवा मंदिर में होता भजनवा हो। होत जयकार बा आसन फुलवार बा होत जयकार बा आसन फुलवार बा होत जयकार बा आसन फुलवार बा। भक्ति में देखा ये रूप का मगाम गाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 छाम। भक्ति के बहार माई के पूजरिया छाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 कि नाच माई के पूजरिया छाम 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 छाम। उस दिन शुक्रवार था। गणेश जी और उनकी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ जिसने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। माँ के एक नए रूप के अवतार लेने पर आकाश लोक से सभी देवताओं ने सभी देवगणों ने फूलों की बारिश की। उन्होंने अपने दोनों भाइयों शुभ और लाभ के कलाई पर प्रकट होकर राखी बांधी। तब दोनों भाइयों के हाथ में चना और गुड़ था, तो वो क्या करते, उन्होंने उस समय वही चना गुड़ लेकर अपनी बहन के हाथ में दे दिया। बहन ने बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ भाइयों का ये उपहार स्वीकार कर लिया। ये सब देखकर नारद मुनि ने कहा कि उपहार में मिले मात्र चने और गुड़ से तुम इतनी संतुष्ट हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम संतोषी होगा। इसीलिए हर शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा करने पर उनको चना और गुड़ का प्रसाद खिलाने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी बात पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन। Thank you.
हिंदू पंचांग के अनुसार आज दिन है शुक्रवार, मास अश्विन, कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र पुष्य है। सुबह 10:33 से लेकर 11:58 तक राहु काल का समय रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा। और अब बात आपके फायदे की, अगर आप भी भजन गाते हैं और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो अपने गीत के साथ साथ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखकर नीचे दिए हुए ईमेल पर हमें भेज दें। आपका भजन यदि हमें पसंद आया तो आपको भी यहाँ दरबार में आकर के गाने का मौका मिलेगा। और अब विदा लेने से पहले आज का सुविचार। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों पर और न किसी की नजरों में। इसी के साथ अपनी मालिनी अवस्थी को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में भक्ति रस में डूबने के लिए एक बार फिर होगी हमारी भेंट। नमस्कार।